राधा को बहुत उड़ने लगी है। समझती क्या अपने आप को? बस यही एक संत है, बाकी सब शैतान। किसी की इज्जत करते हैं सब, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। बबुआ भूख के मारे रो रहा है, जल्दी से उसे हम दूध पिला देते हैं। हम भी इतने लापरवाह हो गए कि अपने दुख में उसका ठीक से ध्यान भी नहीं रख पाते हैं। अच्छी दीदी, इसलिए हम कहते हैं खुद को इतना परेशान मत करो, वरना संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो मुन्ना का ख्याल कौन रखेगा? तुम खुद ही सोचो, एक माँ जिस तरीके से अपने बच्चे का ख्याल रख सकती है, वैसे कोई और रख सकता है क्या? मुन्ना की खातिर अपने आप को संभालो दीदी। तुम सही कह रही हो राधा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा और हमारी परेशानी में बबुआ को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं दीदी कि तुम ज्यादा से ज्यादा समय मुन्ना के साथ बिताओ। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनके साथ समय कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। एक काम करो, तुम जाओ मुन्ना के पास, दूध हम लेकर आते हैं। हाँ ठीक है, तुम दूध लेकर आओ बबुआ के लिए, हम जाते हैं बबुआ के पास। अरे बबुआ क्या हुआ बेटा? आज 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 मैं बबुआ ना ना, ना, ना। ना रोते बाबू, ना रोते। ठंडी माई है ना आपकी, तुम्हें छोड़कर चली जाती है। हमें माफ कर दो बबुआ, हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं। चुप हो जा बबुआ, चुप हो जा, हो रहा है ये? हमारे बच्चे को सुला रही हो या रुला रही हो? हम क्यों रुलाएंगे अपने बेटे को, सुला रहे हैं इसे, कच्ची नींद से उठ गया। कमाल का लाड जता रही हो हमारे बेटे से, कैसे कर लेती हो तुम इससे इतना प्यार? माँ से नफरत और उसके बच्चे से प्यार? लेकिन हम जानते हैं कि ये सब दिखावा है। कल्की रुको, कल्की कहाँ जा रहे? रुको माई, क्या हुआ? अरे देखना वो कल्की को रोक, पता नहीं रसोई घर की तरफ क्या करने जा रही है। ये चैन से जीने भी नहीं देगी हम लोगों को। कल्की क्या कर रही हो तुम? कल्की ये तो कर क्या रही है? कल्की रसोई से बाहर निकल। कल्की क्या कर रही हो तुम? भाई ये ढूंढ क्या रही है? समझ में नहीं आ रहा, तू कर क्या रही है कल्की? कल्की ये क्या पागलपन है? पागलपन? पागलपन तो अब हम करेंगे। चलाक बनती है ना, अब देख हम क्या करते हैं। कल्की!